सफाई कर्मचारियों ने अपना मोर्चे को आगे ले जाते हुए, और आप देख रहे हैं कि विधायक राजेंद्र पाल गौतम जी का जो एक पुतला है उसको आगे लेके चल रहे हैं, और यहाँ पुलिस ने भी अपना पूरा यहाँ इंतजाम पे लग गई ही है, और पुलिस इन लोगों को बाइज्जत जहाँ तक इनका प्रस्थान है वहाँ तक लेके चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लोगों का बड़े पैमाने पर इस तरीके से लेके जा रहे हैं, और देख रहे हैं कि आप जो सफाई कर्मचारी हैं रोड पर लेट कर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देख रहे हैं जो इनके लीडर हैं खुद जमीन पर लेट चुके हैं, और वहीं पुलिस ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है, पुलिस नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से यहाँ इस तरीके का कोई बवाल हो, और बड़े पैमाने पर इनका साथ दे रहे हैं। कर्मचारी देख कर जो इनका प्रदर्शन कर रहे हैं, केजरीवाल के नारे लगाए जा रहे हैं और मनीष सिसोदिया के नारे लगाए जा रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो आम पार्टी है और जो बीजेपी है ये इन लोगों के साथ में छल कपट धोखा कर रही है। सैलाब को आप देख रहे हैं कि सफाई कर्मचारी और पुलिस ने भी दौड़ लगाना शुरू कर दिया है, और पुलिस ने कई बैरिकेटर लगा रखे हैं, लेकिन बैरिकेटर की चिंता न करते हुए आज सफाई कर्मचारियों ने एक रोष प्रकट कर रहे हैं, और इतना बड़ा रोष प्रकट कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं, मैं दूर तक दिखा रहा हूं कि इस तरीके से आप देख रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम का पुतला है, लेकिन वो पुतले दिखावा है, और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर, और मैं ये दिखा रहा हूँ पुलिस भी यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर तैनात है, इस समय पूरा मोर्चा खोल दिया गया है, और इन लोगों ने आप देख रहे हैं पूरा चौक इस समय जाम कर रखा है, और जाम के चलते हुए आप देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया हाय हाय, अरविंद केजरीवाल हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, और यहाँ तक की नारे लगा रहे हैं कि झाड़ू लेके अरविंद केजरीवाल को मोर बना दो, इस तरीके से इनका बहुत बड़े पैमाने पे आप देख रहे हैं सभी नेता एमसीडी के सारे नेता इस समय अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं।